बताई हम हत्या। जब हमसे कहा गया था कि हमारी पत्नी और हमारा पुत्र मर चुके हैं तो वो हमारे सामने जीवित कैसे खड़े हैं? लगता है इस प्रश्न का उत्तर कहीं और से आएगा। महारानी अनुसुईया, लगता है इस प्रश्न का उत्तर इतना कठिन है कि शिवदश्री उसे बता नहीं पा रहे। उनकी सहायता कीजिए। मैंने आपकी प्राण रक्षा के बदले आपका अपमान करना स्वीकारा था महाराज, और जब आप मूर्छित हुए तो मुझे ज्ञात हुआ कि तक्षशिला नरेश अंबिराज का लक्ष्य आप सबकी हत्या करना था। मैंने और सेनापति रिपुदमन ने आपको सुरक्षित वहां से बाहर निकाला था, और उसके पश्चात जब मैं आपके पास वापस लौटी अपने पुत्र को खो देने के पश्चात मेरी स्मृति चली गई। आज जाकर ज्ञात हुआ कि हमारे पुत्र की सुरक्षा सेनापति रिपुदमन कर रहे थे, और हमारे पुरों को सुरक्षित दस्यु लोग ले गए थे। अब बताइए अमित, आपने हमसे असत्य क्यों कहा? उत्तर दीजिए अमित। क्योंकि मैं तक्षशिला से पौरव राष्ट्र के संबंध की कहानी खत्म कर देना चाहता था। तक्षशिला का यह बीज कुतले जाने योग्य था। तक्षशिला में जो आपका अपमान हुआ उसका एक ही प्रतिशोध था, अनुसुईया की मृत्यु। महारानी अनुसुईया कहिए, और कैसा प्रतिशोध? जब महारानी अनुसुईया आपको बता चुकी थी कि इन्होंने जो किया वो हमारी प्राण रक्षा के लिए किया, कहिए इन्होंने आपसे कहा था कि नहीं? सत्य जानकर भी आपने महारानी अनुसुईया के प्राण लेने चाहे, क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य यह है कि तक्षशिला मेरा शत्रु है। तक्षशिला का हर एक नागरिक, वहां की हर एक संतान मेरी शत्रु है। मैंने इसके प्राण लेने चाहे क्योंकि मैं आपकी वो भूल सुधारना चाहता था जो आपने इससे विवाह करके की। हाँ, मैंने इसके प्राण लेने का प्रयास किया, और अवसर मिला तो फिर से करूंगा। शिवदार्थ,
पौरव महारानी की हत्या करना चाहते, हम अवसर देते हैं आपको, आगे बढ़िए, कीजिए प्रयास। हमारे शत्रु राज्य की ये स्त्री आज तुम्हारे लिए से बढ़कर हो गई, मैं इसके लिए तुम मेरे ऊपर तलवार उठाओगे? हाँ मात्य, क्योंकि अपनी घृणा में आप अपनी महारानी का सम्मान करना भूल सकते हैं, परंतु हम अपनी पत्नी की रक्षा करना नहीं भूल सकते। पौरव वंश का लहू महिलाओं का अपमान नहीं कर सकता, वो उनके सम्मान और न्याय के लिए शस्त्र उठाता है, जैसे पुरु ने उठाया। यदि कोई दंड का पात्र है तो वो आप है, और आपको आपका दंड इसी क्षण मिलेगा। रुक जाइए महाराज। सचिन काका तो इसी तलवार से लड़ रहे थे। रक्त? शिवदत्त श्री का वध मत कीजिए महाराज, ये आपके भाई है। माना इनसे अपराध हुआ है, परंतु इस कारण पौरव राष्ट्र के लिए किए गए इनके योगदान को हम नहीं भुला सकते, और मैं नहीं चाहती कि कल संसार मुझे उस कारण के रूप में स्मरण रखे जिसने एक भाई को दूसरे भाई का वध करवा दिया। शिवदत्त शत्रुता चाहते हैं, और मैं परिवार बांधना चाहती हूं महाराज। क्षमा कर दीजिए इन्हें, देख रहे हैं आप शिवदत्त श्री, जिस तक्षशिला कुमारी की आप हत्या करना चाहते थे वही आपके प्राण रक्षा की प्रार्थना कर रही है। अमात्य के समाधान के आपके प्रस्ताव से हम सहमत नहीं है महाराज, परंतु तो आपके एक बात से हम अवश्य सहमत है। शिव को तो मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए मृत्यु बड़ा छोटा दंड है। इन्हें तो वो दंड मिलना चाहिए जो इन्हें इनके अपराधों के लिए पल पल प्रश्चित कराए। अमात्य शिवदत्त ने अपने महाराज को अंधकार में रखा, इसलिए इन्हें काल कोठरी में रखा जाए।
21 वर्ष तक महारानी अनुसुईया को कष्ट सहने पड़े इनके कारण। इसलिए 21 वर्ष तक इनका कारावास भी परिश्रम और कष्ट से पूर्ण होगा। इक्कीस वर्ष तक हमारा पुत्र हमसे और अपनी मां से नहीं मिल पाया। इनके कारण इसलिए 21 वर्ष तक आप भी किसी से नहीं मिल पाएंगे। कनिष्क, ले जाओ इन्हें बंदी गृह में। राजा देश का पालन हो। युद्ध तो कर लिया, अब अपने पिता से गले भी मिल लो पुरु। चलो मेरे साथ। बाबा किसने किया ये सब? हाँ, कैसे हुआ ये सब? बाबा घबराइए मत, आपका पुरु आ गया ना, अब कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपको अभी वैद्य के पास ले चलता हूँ, अभी। बाबा कोई लाभ नहीं पुरु, वैद्य अब कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। कुछ पीड़ा नहीं हो रही? मुझे आनंद आ रहा कि मैं अपने पुत्र की गोद में अपनी अंतिम सांसें ले रहा हूं। नहीं बाबा, आप अपने पुरु को छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा तुम अकेले कहां हो? तुम्हें तो तुम्हारा परिवार मिल गया। बाबा तुम्हारे अपने जिनके साथ तुम
जन्म से जुड़े हो। सब तुम्हारे अपने हैं पुरु। देखो पुरु, तुम्हारा परिवार सेनापति श्रीपद। कोई भूल हुई हो क्षमा कीजिएगा। आप श्रद्धा के पात्र हैं सेनापति रिपुदमन। आपने जो भी किया और अब राष्ट्र उसे कभी नहीं भुला पाएगा। इस राष्ट्र की मिट्टी को गर्व होगा कि आप जैसे वीर और कर्तव्य निष्ठा पुत्र को जन्म दिया। उठिए बाबा, उठिए ना। जब जब मुझे आपकी आवश्यकता पड़ी है आपने मेरा हमेशा साथ दिया है बाबा। आज आपको मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं आपका साथ नहीं दे पाया। अपने अपने गुरु को क्षमा कर देना बाबा, क्षमा कर देना अपने गुरु को। सेनापति रिपुदमन सच्चे योद्धा थे महाराज। पौरव राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए जो इन्होंने बलिदान दिया है वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हाँ महारानी, रिपुदमन को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा और अब राष्ट्र उन्हें सदा स्मरण रखेगा। सही कहा आपने, पौरव राष्ट्र ने हमेशा याद रखेगा। जैसे 21 वर्षों तक आपने इन्हें याद रखा, एक सेनापति दस्युं लोक में अपना कर्तव्य निभाता था और एक राजा महल में बैठकर चैन की सांस लेता रहा। ये कौन सी जगह पर लेकर आई हैं आप? ये आने वाले कल की सरसराहट है अलेक्जेंडर, जो इन पत्तों की सरसराहट से पैगंबरों को मिलता है। सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक की जमीन के बीच को अगर तुम पाना चाहते हो तो खून के समंदर में नहाना होगा अलेक्जेंडर। अपने ख्वाब की तामील के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा।